और अब बात इंडियन नेवी की, जिसकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भारतीय नौसेना को परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत मिली है और ये अरिहंत क्लास की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, जिसे कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में कमीशन किया गया। आईएनएस अरिहंत नौसेना में शामिल आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी ये समंदर में दुश्मन के खिलाफ और ज्यादा घातक साबित होगी। दुनिया में गिने चुने ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत है और हिंदुस्तान भी इन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल है। भारत की नौसेना का नया रक्षक, समंदर का नया सिपह सलार, दुश्मनों पर घातक वार, गहरे पानी में गोता लगाने का दम, लहरों को चीरने का हुनर और हिंदुस्तान की सरहदों की निरंतर निगरानी की क्षमता, इन सारी खूबियों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत नौसेना बेड़े की नई ताकत बन चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को नौसेना को सौंपा। इस दौरान नौसेना के अधिकारियों और जवानों ने रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईएनएस अरिहंत के बाद परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये दूसरी स्वदेशी सबमरीन है, जिसे बंगाल की खाड़ी में तैनात किया जाएगा। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने के लिए भारत का ये नया ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। आईएनएस अरिहंत अरिहंत क्लास की एक विशाल काय पनडुब्बी है, लेकिन आईएनएस अरिहंत अपने ही क्लास की अरिहंत से कई मामलों में काफी ज्यादा एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी आईएनएस अरिहंत से कई गुना ताकतवर और विध्वंसक है। आईएनएस अरिहंत की लंबाई 111.6 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई 9.5 मीटर है। इसका वजन करीब 6000 टन है। ये पानी में 1400 फीट गहराई तक जा सकती है। सतह पर इसकी रफ्तार 28 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूक्लियर ट्राइड जो है, जो तीसरी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बनती है हमारी नौसेना की, जब हमारे पास वायुसेना से हम मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल अटैक कर सकते हैं, सेना से कर सकते हैं, नौसेना से भी जब करें तो एक सरप्राइज आता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक सस्टेन्ड एक कैपेबिलिटी बनती है, जिसको हम एक क्रेडिबल डेटरेंस कहते हैं, जो हिंद महासागर में चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए और किसी भी दूसरी शिप्स की आहट को देखते हुए जरूरी है कि हम इस क्षेत्र में इसकी एक कैपेबिलिटी रखें और भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी आईएनएस अरिहंत से बढ़ेगी। इस न्यूक्लियर सबमरीन को नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था और इसे साल 2017 में लॉन्च किया गया था। तब से इसकी ताकत को समुन्द्र में हर कसौटी पर लंबे वक्त तक परखा गया और अब टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे नौसेना को सौंप दिया गया। नौसेना के बेड़े में शामिल होने से समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है, यानी इस न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत से समुद्री सीमाओं की निगरानी और आसान हो जाएगी। अरिहंत एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। आईएनएस अरिहंत 750 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली 15K15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। इतना ही नहीं, अरिहंत सबमरीन 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली 4K4 मिसाइल से भी लैस की जाएगी। इसमें 21 इंच के 6 टॉर्पेडो मिसाइल भी लगाई गई हैं। इसमें टॉर्पेडो ट्यूब्स भी लगे हैं। ये टॉर्पेडो ट्यूब्स मिसाइल और बारूदी सुरंगें बिछाने का काम करती हैं। सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी हुई है। शौर्य मिसाइल 750 किलोमीटर से लेकर करीब करीब 3000-4000 किलोमीटर तक की दूरी है। इसमें टॉर्पेडोज लगी होंगी और ये कई दिनों तक समुद्र के तह पे अंदर रह सकती हैं। इसका एंड्योरेंस ज्यादा होगा और ये इस हिसाब से ये ज्यादा कैपेबल हो जाएंगी। विश्व की कुछ ही एलाइट कंट्रीज में हम शामिल हुए हैं जिन्होंने ये SSBN की सबमरीन ऑपरेट की है, तो अब भारत को ये कैपेबिलिटी हो गई है। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें अरिहंत पहले ही नौसेना के पास है, दूसरी अरिहंत मिलने वाली है और तीसरी आईएनएस अरिदमन का निर्माण जारी है।
इसके निर्माण के बाद भारत में जंगी बेड़े में 16 डीजल कन्वेंशनल सबमरीन हो जाएंगी और 3 परमाणु पनडुब्बी भी भारत के पास होंगी। जाहिर है भारत अपनी समुद्री सीमा के सुरक्षा चक्र को लगातार मजबूत बनाता जा रहा है, जिसे तोड़ना दुश्मनों के बस की बात नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।